नमस्कार, न्यूज बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि न्यूज बिहार ने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि आज उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने पटना के अधिवेशन भवन पहुंचे थे। उस दौरान मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया और इन योजनाओं में कितने लोगों को घर की स्वीकृति दी गई है इसके बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने सबसे पहले जो अपनी सात निश्चय योजना के अंतर्गत चल रही गली नली कार्यक्रम का लेखा जोखा उन्होंने अपने जनता के सामने रखा, देखिए इस रिपोर्ट में। उस दौरान हम देखते थे कि हर घर नल का जल जो किसी के जिले के एक पंचायत के एक वार्ड में जहां काम पूरा हो गया है वहां देखते हर घर बिजली का कनेक्शन, गली और नाली का निर्माण, पक्की गली का, सब देखने के लिए जो जाते थे तो कई जगह हमारे ग्रामीण विकास के सचिव भी मौजूद थे, अन्य अधिकारी। जैसा कि आपने देखा मुख्यमंत्री किस तरह से पूरे डेटा के साथ लोगों को बता रहे थे कितने लोगों को अभी तक घर की स्वीकृति दी गई है। इन लोगों ने उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सब करा दिया है और काम शुरू है। और जो मुझे इन लोगों ने आंकड़ा दिया है कि निबंधन हो गया है 870,000 और ये अभी जो दिखा रहे थे वृत्त चित्र उसका जो प्रस्तुतिकरण कर रहे थे उसमें भी देखा हमने, और 7,55,000 लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इससे आगे बढ़ते हुए प्रोत्साहन राशि के बारे में बात की। जी हाँ, बता दें आपको कि उन्होंने राज्य कर्मियों को एक अनोखा तोहफा देने के बारे में सोच लिया है। उन्होंने इशारों में यह कह दिया है कि जितने भी लेखापाल हैं या ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको समय से कार्य पूरा करने के बाद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी हाँ, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आवास की स्वीकृति 4 माह के भीतर लाभुक द्वारा आवास की स्वीकृति से जो आवास की स्वीकृति की तारीख उसके 4 माह के भीतर लाभुक द्वारा आवास निर्माण कराने पर, और इसके लिए हमने जो कहा जितने भी हैं आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक, कार्यपालक सहायक, आवास सहायक, इन सब लोगों को ये जिम्मेवारी उनके ऊपर है और हम लोग उनको प्रेरित कर रहे हैं कि अगर 4 महीने के अंदर बन जाएगा मकान तो 100 उनको प्रोत्साहन राशि हम लोग दें। जैसा कि आपने देखा उन्होंने किस तरह बहुत सारी योजनाओं के तहत अपने काम को समय में से पूरा करने के विषय में लोगों को जानकारी दी, और हाँ इशारों में उन्होंने RJD पर भी निशाना साधा है, देखिए ये वीडियो। अब बाकी कोई अनाप शनाप झूठ सच इधर से उधर करते रहता है तो उसको क्या, जिसको मन में आता बोलता रहता है, लेकिन हम लोग काम करना चाहते और काम कर रहे हैं। तो जैसा आपने देखा मुख्यमंत्री मंद मुस्कान में ही अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे थे, वहीं दूसरी ओर अपने राज्य में किए गए कार्यों का लेखा जोखा सामने बैठी हुई जनता को दे रहे थे। न्यूज़ बिहार में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप पल पल बने रहें हमारे साथ, हम हर खबर के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए याद, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।